हेलो फ्रेंड्स मोनोल आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑटोक्लेव जो हमारा बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है हमारा तो आज हम ऑटोक्लेव के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज के फ्रेंड्स सो ऑटोक्लेव इज अ पीस ऑफ इक्विपमेंट यूज फॉर द स्टरलाइजिंग वेरियस रिक्वायरमेंट्स इन द लैब बाय वेट स्टरलाइजेशन मेथड सो बेसिकली क्या है जो हमारा ऑटोक्लेव है वो एक इक्विपमेंट है मशीन है जिसको हम स्टरलाइजेशन यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री करने के लिए हम उसको यूज करते हैं सो दर्ड स्टरलाइजिंग मीन्स दिस्ट्रक्शन ऑफ एलिमिनेश ऑफ ऑर फॉर्म्स ऑफ लाइफ माइक्रोबायल, इंक्लूडिंग स्पोर्स प्रेजेंट इन इंटीमेटेड एंड बायस ऑफ फिजिकल केमिकल एंड जियोसिस प्रोसीजर सो बेसिकली क्या है स्टर्लाइजेशन का मतलब ये है कि जो भी आपके माइक्रोलॉजिकल जो माइक्रोबायल जो भी चीजें हैं आपके इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स है वो जो कंटामिनेशन हो जाती है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए माइक्रो गैसम फ्री करने के लिए हम स्टरलाइज करते हैं इक्विपमेंट्स को ठीक है सो फ्रेंड्स सपोज कीजिए कि अगर आपने बिना स्टरलाइज किए इक्विपमेंट्स यूज किए तो क्या आपके रिजल्ट बेटर आएंगे नहीं आपके रिजल्ट बेटर नहीं आएंगे क्योंकि उसमें पहले से ही बैक्टीरियाज या स्पोर्स वगैरह कुछ फंगस वगैरह प्रेजेंट होंगे या फिर कोई बैक्टीरिया एनवायरमेंट बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट होगा जिसकी वजह से आप उसे मॉडिफाई मतलब जो आपको चाहिए वो आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा ठीक है सो स्टलाइजेशन जो प्रोसेस है वो बेसिकली माइक्रोगानिज्म को किल करने के लिए है जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं सो फ्रेंड्स ऑटोक्लेव का जो प्रिंसिपल है वो बेस्ड है वैन वाटर इज हीटेड इन अ क्लोज कंटेनर सेचुरेटेड स्टीम इज प्रोड्यूज अंडर प्रेशर अब क्या है कि ये बिल्कुल प्रेशर कुकर की तरह होता है आपने कुकर देखा होगा जब उसमें गैस ज्यादा भर जाता है वैक्यूम ज्यादा जाते हैं तो ऊपर सीटी बजने लगती है सेम एजी जिसमें होता है हमारा ऑटोक्लेव में होता है सो so, जब हम वाटर को हीट करते हैं क्लोज कंटेनर के अंदर तो क्या होता है अंदर प्रेशर बन जाता है ठीक है प्रेशर बनता रहता है बनता रहता है बनता रहता है और वो फिर जैसे कुकर सीटी मारती है सेम एजी जैसे ही ऑटोक्लेव भी सीटी मारती है सो अकॉर्डिंग ऑफ बॉय स्लो वैन वॉल्यूम ऑफ द स्टीम दीम स्किप्ड कॉन्स्टेंट देशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अगर हम कॉन्स्टेंट रखते हैं टेम्परेचर को ठीक है उसकी वॉल्यूम को तो टेम्परेचर क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के कैसे टेम्परेचर अगर बढ़ता जाएगा ठीक है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या है अंदर वेपर बनता जा रहा है तो उससे क्या होगा कि जो उसका प्रेशर होगा वो भी इंक्रीज होता जाएगा ठीक है वेपर अंदर बनते रहेंगे सो इफ द प्रेशर इज रिड्यूज इज बॉयल एट अ लोअर टेम्परेचर अब क्या करेंगे हम रिड्यूस कर देंगे प्रेशर को तो so, टेम्परेचर क्या होगा लो होता जाएगा सो इफ द प्रेशर रेज इट बॉयल्स एट अ ग्रेटर टेम्परेचर अब क्या करेंगे जब प्रेशर जो जो होगा उसका प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा तो उसको वो क्या करेगा जो टेम्परेचर होगा वो भी बढ़ जाएगा सो so, क्या है कि ये बढ़ता है एक साथ और घटता भी एक साथ है सो एट फिफ्टीन एलबीएस प्रेशर वन ट्वेंटी वन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कैन बी अपडेट अब क्या करेंगे हम उसमें करते हैं वन ट्वेंटी वन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हैं फिफ्टीन एलबीएस पे ठीक है हॉट सेचुरेटेड स्टीम इज अफिशियंट मीन्स ऑफ डिस्ट्रॉइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंस इट पैनिट्रेट रैपिडली एंड गिवस इट्स लेटेंट हीट एज इट कंडेंस ऑफ द कलर ऑब्जेक्ट सो बेसिकली क्या है जो हॉट सेचुरेशन स्टीम एफिशियंट मीनस होता है कि जो डिस्ट्रॉय कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सो so बेसिकली हम हीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस टेम्परेचर पर उस हीटिंग पे किल हो रहे हैं उस एन्वायरमेंट में ठीक है तो उसलाइज का मतलब ये होता है कि डिस इन्फेक्ट यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री स्ट्राइल इक्विपमेंट्स पर्पस ऑफ दी ऑटोक्लेव ऑटोक्लेव का फ्रेंड्स पर्पस क्या है हमारा सो दिन मटेरियल एंड ऑब्जेक्ट आर स्टोराइज फॉर फॉलोइंग पर्पस। सो बेसिकली क्या है जो हम स्टोराइज कर रहे हैं अपने मटेरियल्स को ऑब्जेक्ट को जो स्टोराइज कर रहे हैं हम वो किस पर्पस के लिए कर रहे हैं टू प्रिपेयर मटेरियल्स फॉर बैक्टेरियोलॉजिकल ठीक है बैक्टेरियोलॉजिकल सेल्स कल्चर सो बेसिकली बैक्टीरियोलॉजिकल सेल्स कल्चर के लिए जो करते हैं हम टेस्ट ट्यूब्स ले लेते हैं पेपर्स ले लेते हैं पैटोलॉजी एक्सेट्रा एक वगैरह क्या करते हैं हम यूज करते हैं सो इन ऑर्डर टू अवॉइड देयर कंटामिनेशन तो हम क्या करेंगे इसको कंटामिनेशन से अवॉइड करके रखेंगे उसको कंटामिनेट नहीं होने देंगे तभी हम उसको यूज करेंगे ठीक है फ्रेंड्स प्रिपेयर एलिमेंट्स यूज फॉर टेकिंग सैंपल्स सो so, जो सैंपल हम ले रहे हैं जिस इक्विपमेंट से वो भी क्या है होना चाहिए ऑय मस्ट बी इन स्ट्राइक कंडीशन सो निडल हो गई ट्यूब हो गई कंटेनर हो गई आपकी स्ट्राइल होनी चाहिए स्ट्राइल कंटामिनेटर मटेरियल मतलब स्ट्राइल होना चाहिए, so, material, बतलब, होना चाहिए stylized, कं, जो कंटामिनेटर मटेरियल है वो भी स्ट्राइज होने चाहिए ठीक है सो टू टाइप ऑफ ऑटोक्लेव हम दो तरह के ऑटोक्लेव यूज करते हैं फर्स्ट है हमारा हॉरिजोंटल और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑटोक्लेव ठीक है इन अ डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑटोक्लेव कोल्ड एयर स्कैप थ्रू दी बॉटम ऑफ द चैम्बर एट स्टीम डिस्प्लेस इन अ ग्राउंड अब ठीक है फ्रॉम अब सो फ्रेंड्स क्या है यहाँ पर जो यहाँ अंडर चैम्बर है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑटोक्लेव है जो क्या करता है कोल्ड एयर को स्कैप करता है बॉटम के थ्रू एंड जो चैम्बर है जिसमें डिस्प ही जो स्टीम है वो डिस्प्लेस हो रही है फ्रॉम दी अब सो फ्रेंड्स क्या है ऊपर से स्टीम आ रही है नीचे से कोल्ड जो एयर है उसके अंदर वो क्या बाहर जा रही है ठीक है सो दिस टाइप ऑफ ऑटोक्लेव इज इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड एंड कैन बी फुल ऑफ सेमी ऑटोमेटिक सो क्या है ये फुली इलेक्ट्रिकली होता है ऑपरेटेड होता है ठीक है और ये सेमी ऑटोमेटिक होता है ठीक so, है इफ यूज अटिंग एलिमेंट टू हीट अप दॉटर एंड प्रोड्यूस स्टीम सो जो हीट एलिमेंट है वो क्या करता है हीटअप करता है और वॉटर प्रोड्यूस करता है स्टीम के जरिए ठीक है सो द स्टीम विच इज लार्जर दैन एयर फोर्स दी एयर इन साइड स्टराइजेशन चैम्बर टू मूव डाउनवर्ड अगर क्या है कि जो स्टीम उसमें क्या होता है लाइटर दैन एयर है स्टीम है वो एयर से कम है तो क्या करता है जो फोर्स होती है वहां पे एयर को स्टलाइजेशन चैम्बर के डाउनवर्ड में लेकर चले जाती है ठीक है सो इवेंचुअली एयर मूव्स आउट थ्रू दी ड्रेन इजेशन चें so, क्या होता है इवेंचुअली की जो एयर होती है वो चैंबर से बाहर निकल जाती है सो वंस देशर इन देंबर इज सफिशियंट दी होल इज ऑटोमेटिकली क्लोज एंड स्टोराइशन प्रोसेस इज स्टार्टेड सो क्या होता है यहाँ पर जो तो टेम्परेचर है वो मेन्टेन हो जाता है सफिशियंट हो जाता है स्टेजेशन तो के लिए और वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है ठीक है और स्टेलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है फ्रेंड सपोज कीजिए यहाँ पर आपका एक ऑटोक्लिव है तो क्या होगा फ्रेंड्स जो यहां से एयर आएगी ठीक है समझ लीजिए सपोज कीजिए हॉट एयर है तो जो कोल्ड एयर होगी वो क्या होगी यहां से बाहर जाएगी यहां से बाहर निकल जाएगी सो तो ये जो ऑटो क्लेव है बेसिकली क्या है यहां पर जब स्टीम बनने लगेगी ठीक है तो जो एक्स्ट्रा स्टीम है वो यहां से रिलीज हो जाएगी जब प्रेशर ज्यादा बन जाएगा अंदर तो क्या होगा ये आपने अंदर रखा है स्टोरलाइज के लिए तो अंदर जो प्रेशर है वो ज्यादा बनेगा तो यहाँ पे क्या होगा इसका प्रेशर बनेगा और ये रिलीज हो जाएगा यहाँ से ठीक है so, सो क्या है फ्रेंड्स ये ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है कि अंदर हीट प्रोड्यूस होता है स्टीम बनता है अंदर जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रोसेस शुरू हो जाती है तो हमें बेसिकली स्टेलाइजेशन के लिए स्टीम बहुत जरूरी है अंदर एंड सेकेंड है हमारा वैक्यूम असिस्टेंट ऑटोक्लेव सो वैक्यूम असिस्टेंड ऑटोक्लेव है हमारा अ वैक्यूम ऑटोक्लेव इज सेट अप इन अ सिमिलर फैशन टू अ नेगेटिव प्रेशर डिस्प्लेसमेंट यूनिट इन दैट देयर इज अ वैक्यूम पंप टू रिमूव एयर फ्रॉम दिस टलाइजेशन चैम्बर एंड स्टीम इज क्रिएटेड इन अ सेकेंड सेपरेट चैम्बर ऑन यूनिट सो बेसिकली क्या है इसके अंदर जो वैक्यूम ऑटोक्लेव होती है वो सेट होती है सिमिलर फैशन होता है इसका जो नेगेटिव प्रेशर होते हैं डिसप्लेसमेंट कर देते हैं उसको और वैक्यूम पंप रिमूव हो जाता है ये ठीक है तो नेगेटिव प्रेशर क्या है यहाँ पर उसको डिस्प्लेसमेंट करने के लिए यहाँ पे वैक्यूम पंप दिया हुआ है जहां पर से वो रिमूव होती है एयर ठीक है और स्टेलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट जाती है चैंबर में सो दिस टाइप ऑफ ऑटोक्लेव इज सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड इज वेरी वर्सेबल वर्सेटाइल ठीक है बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल होता है और ये ऑटोक्लेव क्या होता है सुटेबल होता है ऑल टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्टेलाइजेशन के लिए प्रेशर ऑफ मटेरियल अब मटेरियल को किस तरह से प्रिपेयर करें हम करने के लिए ठीक है सो एंड एंडल्स बेसिकली सिरिंजेस आर रैप्ड इन गॉस एंड निडल आर प्लेस सेपरेटली इन स्मॉल टेस्ट ट्यूब दैट आर प्लग्ड सो बेसिकली क्या है जो आप सिरिंजेस यूज कर रहे हैं वो गॉस पेपर में रैप होने चाहिए निडल क्या है निडल को आप स्मॉल टेस्ट ट्यूब में डाल सकते हैं और उसको प्लग कर दीजिए ताकि नीडल स्ट्रिक इंजरी ना हो अ पैड ऑफ ऑन एब्जॉर्बेंट कॉटन इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ईच ट्यूब टू प्रोटेक्ट द टिप ऑफ द नीडल सो बेसिकली क्या है जो पैड नॉन एब्जॉर्बेंट कॉटन पेपर होता है वो जो प्रोटेक्ट करता है नीडल की टिप को हार्म होने से एक्चुअली क्या होगा कि अगर आप नीडल की टिप को यूं ही रख देते हैं तो नीचे से डैमेज हो सकता है जब आप पेशेंट को पिक करेंगे तो वो क्या होगा सो सिरिंज एंड नीडल आर द प्लेस इन अ स्मॉल इन अ मेटल ट्रे विच इज प्लेस अनकवर्ड इन दी ऑटोक्लेव सो क्या है जो निडल और सींजेस है उसको हम प्लेट में करके उसको ट्रे में रखकर उसको हम एज इट इज ही बिना कवर किए हुए हम उसको ऑटोक्लेव में डाल देते हैं ग्लास ग्लासवेयर सच एस स्पेसिमेन ट्यूब पैट्रीडिश स्पेसिमेन कलेक्शन बॉटल्स आर रेब्ड इन ब्राउन पेपर एंड आर टाइड विद स्ट्रिंग स्ट्रिंग सो so बेसिकली क्या है यहाँ पर कि जो ग्लास वेयर होती हैं स्पेसमेन ट्यूब हो गई आपकी डिश हो गई स्पेसमेन कलेक्शन बॉटल्स हो गए इनको ब्राउन पेपर में रैप करके आपको स्ट्रिंग से उसको क्या करना है टाइट बांधना है और उसको फिर ऑटोक्लेव में डालना है सो दाशर पिपिट आर प्लेस्ड इन लार्ज ट्यूब विच आर देन प्लग्ड सो क्या है जो पार्शर पिपिट होता है उसको लार्ज ट्यूब में रखेंगे उसको प्लग करके रखेंगे ठीक है वट कैन बी ऑटोक्लेव्ड सो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए आपके जो आप ऑटोक्लेव कर सकते हैं ग्लासवेयर्स आ गए आपके जो आप ऑटोक्लेव कर सकते हो प्लास्टिक ट्यूब्स एंड पिपेट टिप्स हो गई जो आप ऑटोक्लेव कर सकते हो कल्चर एंड स्टॉक्स ऑफ इनफैक्शन मटेरियल हो गए डिस्कार्डेड लाइव एंड एटीनेटेड वैक्सीन हो गई मीडिया एंड सोल्यूशन हो गए और वेस्ट हो गया आपका इन सभी चीजों को आप ऑटोक्लेव कर सकते हो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस तो फ्रेंड्स क्या है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब ये है कि जब आप ऑटोक्लेव यूज कर रहे हैं तो उसको भी मेंटेन करना जरूरी है क्योंकि वो सारे डस्ट क्या कर रहा है वो हटा रहा है सारे डस्ट को तो जितने भी डस्ट है वो उसके अंदर भी हो सकते हैं सो so, उसका मेंटेनेंस बहुत ही जरूरी है सो क्लीन ऑल दी फिल्टर्स जो एयर और वाटर फिल्टर्स है वो तो हमेशा क्लीन होने चाहिए सो फिल वाटर लेवल ऑफ फिट टैंक अप टू मैक्सिमम लिमिट जो फिट टैंक की मैक्सिमम लिमिट है उस वहां तक वाटर लेवल फिल होना चाहिए चेक एक्यूरेसी ऑफ टेम्परेचर रीडिंग आप टेम्परेचर रीडिंग की एक्यूरेसी जरूर चेक करेंगे क्योंकि अगर वो गलत टेम्परेचर बता रहा है तो वो ठीक नहीं है सो द एक्टिवेट से सेफ्टी वेल्व मैनुअल टू वेरीफाई दैट दे आर ऑपरेटिंग वेल्स क्या करेंगे एक सेफ्टी वेल्व मैनुअल रखेंगे अपने पास जिससे ये पता चलेगा आपको कि आपका ऑटोक्लेव सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है चेक एनी अब नॉर्मल साउंड अगर कोई भी एबनॉर्मल साउंड आते हैं तो उसको भी आपको चेक करना है प्रिकॉशन और प्रिकॉशन फॉर ऑटोक्लेव यूजर्स अब क्या है क्या क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं जो ऑटोक्लेव यूज कर सकते हैं आई प्रोटेक्शन बेसिकली ऑटोक्लेव के अंदर आपको आई प्रोटेक्शन करनी बहुत जरूरी है सो तो कोट और बॉटन जो कोट है वो क्या होना चाहिए बिल्कुल टॉप टू बॉटम होना चाहिए आपका कोट और आप पहने होने चाहिए उसको वेयर करके रखें सो तो क्लोज टोय तो शूज आपका जो टय टोय शूज है वो क्लोज होने चाहिए और रेसिस्टेंट ग्लव्स जो होने चाहिए जो हीट से रेसिस्टेंट करता हो हमें बचा के रखता हो ठीक है सो फ्रेंड्स ये थी हमारी ऑटो क्लेप बहुत ही इंटरेस्टिंग है टॉपिक बहुत ही स्कोरिंग मार्क्स आते हैं इसमें सो so फ्रेंड्स अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स को शेयर करना मत भलेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच